नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे एक शानदार टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना बड़ा अच्छा टॉपिक है और प्रस्तावना हमारे संविधान का पहला आलेख है तो इसकी हम बात करेंगे एक अच्छे टॉपिक शानदार टॉपिक प्रस्तावना की तो आज का अपना जो हैडिंग होगा वो होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना को दोस्तों उद्देशिका भी कहा जाता है क्या कहते हैं उसे उद्देशिका तो आज हम बात करेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका भी कह सकते हैं और उसे भारतीय संविधान की क्या कह सकते हैं प्रस्तावना कह सकते हैं तो एक शानदार अच्छे टॉपिक की हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं उद्देशिका तो इसमें आज दोस्तों हम बात करते हैं प्रस्तावना में तो आज बात करेंगे प्रस्तावना एवं उद्देश्य यानी प्रस्तावना क्या है उद्देश्य प्रस्तावना को ही उद्देश्य कहते हैं इसकी क्या विशेषता है हम बात करेंगे एक शानदार अच्छा टॉपिक है अपना भारत जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है इसके बारे में तो बात करते हैं इसके बारे में कि प्रस्तावना कहते किसे संविधान का वह प्रारंभिक आलेख जहाँ संविधान निर्माताओं के विचार देखने को मिलते हैं उसे हम प्रस्तावना कहते हैं यानी प्रस्तावना किसे कहते हैं जहाँ संविधान के बारे में हमें परिचय मिलता है संविधान के बारे में जानकारी मिलती है संविधान का वह प्रारंभिक आलेख जहाँ संविधान निर्माताओं के विचार देखने को मिलते हैं विचार दृष्टिगोचर होते हैं उसे हम प्रस्तावना कहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों प्रस्तावना कहते हैं यानी सामान्यतः जो क्योंकि देखो प्रत्येक जो अधिनियम आता है उस प्रत्येक अधिनियम का प्रारंभ किससे होता है प्रस्तावना से ही होता है तो बगैर प्रस्तावना के कोई अधिनियम नहीं होते इसलिए संविधान भी हमारा क्या है संविधान के भी जब स्टार्टिंग की गई शुरुआत की गई तो इससे भी क्या माना गया इससे भी प्रस्तावना माना गया तो इसी प्रस्तावना की हम बात करेंगे प्रस्तावना या उद्देश्य का प्रस्तावना या उद्देशिका की मैं बात करूं दोस्तों तो प्रस्तावना व उद्देशिका को हम दो भागों में बांट सकते हैं यानी प्रस्तावना को देखो आपने कैसे भी पढ़ा होगा लेकिन आज जिस प्रकार मैं पढ़ रहा हूं उस प्रकार पढ़ गया प्रस्तावना को दो भागों में बांटते हैं एक तरफ हम बात करेंगे प्रस्तावना के स्रोत और दूसरी तरफ हम बात करेंगे प्रस्तावना का आधार ये हमारी ये प्रस्तावना है इसका आधार क्या है और प्रस्तावना के स्रोत क्या है ये दोनों बातें करनी है हमें एक तरफ हम बात करेंगे स्रोत और दूसरी तरफ हम बात करेंगे आधार पहले मैं बात करता हूं स्रोत की प्रस्तावना के स्रोत को भी हम आप चाहो तो दो भागों में तोड़ सकते हो एक तरफ प्रस्तावना का विचार एक तरफ बात कर सकते हैं प्रस्तावना की भाषा यानी कि स्रोत में भी मैं बात करूँ तो एक तरफ विचार कहाँ से लिया और एक तरफ हम बात करें कि भाषा कहाँ से ली तो so, आपको बता दूँ प्रस्तावना का विचार जो लिया गया है ये विचार अमेरिका से लिया कहाँ से लिया गया है अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है ये ली गई है कहाँ से ऑस्ट्रेलिया कहाँ से ली गई है ऑस्ट्रेलिया से इसके अलावा दो देश और हैं एक है आपका रूस और एक है आपका फ्रांस क्योंकि प्रस्तावना पर दोस्तों चार राष्ट्रों का प्रभाव पड़ता है कितने राष्ट्रों का प्रभाव पड़ता है चार राष्ट्रों का प्रभाव पड़ता है रूस से हमने क्या लिया रूस से हमने लिया न्याय न्याय शब्द हमने कहां से लिया है न्याय शब्द हमने रूस से लिया है जबकि सम्मानता बंधुता स्वतंत्रता वाली जो शब्दावली है ये हमने कहां से ली है फ्रांस से ली समानता बंधुता स्वतंत्रता जो शब्द हमने लिए हैं कहां से लिए हैं फ्रांस से लिए यानी कि सोर्सेज की मैंने आपको बात की स्रोत की हमने बात की कि प्रस्तावना के स्रोत कहां से लिए गए हैं कैसे लिए गए हैं तो प्रस्तावना के दोस्तों स्रोत लिए गए हैं तो प्रस्तावना के स्रोतों को हम दो भागों में तोड़ के पढ़ सकते हैं एक तरफ विचार और दूसरी तरफ भाषा प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है प्रस्तावना का विचार अमेरिका से जबकि प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है जबकि जो आपके सामने दो शब्द रूस और फ्रांस इन दो देशों से भी कुछ शब्द लिए गए यानी कि प्रस्तावना पर कितने देशों का प्रभाव पड़ता है कितने राष्ट्रों का प्रभाव पड़ता है तो प्रस्तावना पर चार राष्ट्रों का प्रभाव पड़ता है कितने का चार राष्ट्रों का प्रभाव पड़ता है प्रस्तावना पर चार राष्ट्रों का हमारे प्रभाव पड़ा कौन कौन से अमेरिका ऑस्ट्रेलिया फ्रांस और रूस का कौन से से क्या लिया यह आपके सामने अगर और आल आपको पूछ लिया जाए प्रस्तावना कहां से ली गई तो अमेरिका से ली गई कहां से ली गई है अमेरिका से अब दोस्तों मैं दूसरी तरफ बात करता हूं प्रस्तावना का आधार प्रस्तावना का आधार क्या है तो प्रस्तावना के आधार है उद्देश्य प्रस्ताव कौन है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव और ये उद्देश्य प्रस्ताव रखे किसने थे जवाहरलाल नेहरू ने किसने रखे थे जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे कब रखे थे ये उद्देश्य प्रस्ताव तो उद्देश्य प्रस्ताव कब रखे गए थे 13 दिसंबर उन्नीस प्रस्तावना का आधार कौन है उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाला कौन था जवाहरलाल नेहरू कब रखे गए तेरह दिसंबर उन्नीस यानी को उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए और ये उद्देश्य प्रस्ताव रखे कब गए थे ये बात तो सही है लेकिन ये प्रस्ताव पारित कब हुए प्रस्ताव पारित कब होते हैं तो प्रस्ताव पारित होते हैं 22 जनवरी 1947 को कितनी तारीख को पारित होते हैं 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या होते हैं पारित होते है। 22 जनवरी 1947 को इनको पारित होते ही के एम मुंशी ने क्या कहा इनके लिए के एम मुंशी ने क्या बताया दोस्तों के एम मुंशी ने इसे बताया गणतंत्र की जन्म कुंडली गणतंत्र की जन्म कुंडली या राजनीतिक कुंडली राजनीतिक कुंडली यानी कि प्रस्तावना कहते कैसे हैं तो प्रस्तावना मैंने क्या कहा प्रस्तावना किसे कहेंगे दोस्तों प्रस्तावना कहेंगे संविधान का प्रारंभिक आलेख या भारतीय संविधान का वह प्रारंभिक आलेख जहां संविधान निर्माताओं के विचार देखने को मिलते हैं उसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका कहते हैं इसको हमने दो भागों में तोड़ा एक तरफ हमने बात की स्रोत और दूसरी तरफ हमने बात की है आधार की स्रोत हमने देखा चार राष्ट्रों का प्रभाव पड़ा आधार हमने देखा उद्देश्य प्रस्ताव इसके आधार है यानी कि इसके आधार कौन है उद्देश्य प्रस्ताव ये उद्देश्य प्रस्ताव रखे कब गए थे ये रखे गए थे रखे कब थे 13 दिसंबर 1946 को और इनको पारित कब किया गया था 22 जनवरी उन्नीस को पारित होते के मुंशी क्या कहा इन्हें गणतंत्र की जन्म कुंडली बताया यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रस्तावना की ही प्रस्तावना की आगे हम बात करें देखो तो प्रस्तावना को कुछ लोगों ने कुछ संज्ञाएं दी हैं किसने क्या क्या कहा है ये बात करते हैं एन पालकी वाला एन पालकी वाला ने क्या बताया एन पालकी वाला ने प्रस्तावना को बताया क्या बताया संविधान का परिचय पत्र संविधान का परिचय पत्र एन पालकी वाला ने इस प्रस्तावना को क्या बताया दोस्तों संविधान का परिचय पत्र अर्नेस्ट बर्कन ने क्या बताया अर्नेस्ट बर्कन ने इसे बताया संविधान की कुंजी या की नोट की नोट या कुंजी किसने बताया अन्यस्ट बर्कन जवाहरलाल नेहरू ठाकुरदास भार्गव और इन्होंने क्या बताया इसे संविधान की आत्मा क्या बताया संविधान की आत्मा संविधान की आत्मा दोस्तों दो, दो को कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा को लेकर क्योंकि संविधान की आत्मा दो को कहते हैं एक अनुच्छेद 32 को भी कहते हैं और संविधान की आत्मा दोस्तों इस प्रस्तावना को भी कहा जाता है संविधान की प्रस्ताव प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताने वाले ये जो दो लोग आपके सामने हैं एक और था सुभाष कश्यप तीसरा और कौन था सुभाष कश्यप सुभाष कश्यप भी यही बात कहता है इन तीन लोगों ने क्या बताया इसे संविधान की आत्मा नोट लगा के आप लिखना चाहो यहीं पे लिख भी सकते हो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया संविधान की आत्मा बताया है डॉक्टर भीमराम अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताता है अनुच्छेद 32 में क्या दे रखे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार आगे बताऊंगा आपको मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताता है जबकि ये तीन लोग प्रस्तावना को बताते हैं यानी ये किन को बता रहे हैं ये प्रस्तावना को बता रहे हैं किसको बता रहे हैं दोस्तों ये प्रस्तावना को बता रहे हैं हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं उसकी बता रहे हैं किसने क्या कहा ये आपके सामने है अब प्रस्तावना को हम तोड़ के पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे तोड़कर पढ़ेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आपको प्रस्तावना को याद करना है तब जाके आपको प्रस्तावना याद होगी देखो हमारी प्रस्तावना जो स्टार्ट होती है दोस्तों हमारी प्रस्तावना कहां से स्टार्ट होती है हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को हम भारत के लोग भारत को भारत को क्या बनाएंगे अब देखो हमारी स्टार्ट कहां से होती है हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को पहली बात तो भारत शब्द कितनी बार आता है दो बार आता है यह भी पूछ लिया जाए प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आएगा बोले दो बार आएगा कितनी बार आएगा दो बार आएगा हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे देखो भारत को कैसा बनाने की बात कही है हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि भारत को ऐसा भारत बनाया जाएगा जो आपके सामने देखो दिख रहा है ऐसा भारत बनाएंगे कि हम भारत के लोग हम यानी इस देश के ऊपर अगर कोई है इस देश की सर्वोच्च सत्ता अगर किसी के हाथ में है तो वो भारत के लोगों के हाथ में है किसके हाथ में है भारत के लोगों के हाथ में है यानी इस देश में अगर सर्वोच्च स्तर पर कोई है तो वो कौन है जनता कौन है जनता है तो हम भारत के लोग भारत को ऐसा बनाएंगे कैसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ऐसा भारत बनाएंगे तो ऐसे भारत बनाने के लिए फिर क्या होगा ऐसा भारत बनने के बाद क्या होगा कि हम ऐसा भारत बनाएंगे तो फिर क्या मिलेगा तो समस्त नागरिकों को क्या मिलेगा तो समस्त नागरिकों को मिलेगी न्याय क्या मिलेगी दोस्तों समस्त नागरिकों को मिलेगी न्याय क्या मिलेगी स्वतंत्रता क्या मिलेगी स्वतंत्रता क्या मिलेगी अगर ऐसा भारत बनेगा तो फिर क्या क्या मिलेगा देखो फिर क्या मिलेगा समानता क्या मिलेगा समानता फिर क्या मिलेगी बंधुता यानी कि ऐसा भारत बनेगा तो ऐसा भारत बनने के बाद लोगों को क्या क्या मिलेगी लोगों को न्याय मिलेगा स्वतंत्रता मिलेगी समानता मिलेगी और बंधुता मिलेगी क्योंकि बंधुता बढ़ाने के लिए ऐसा मिलेगा अब देखो न्याय न्याय कितने प्रकार की मिलेगी यहां से क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यानी कि आपके सामने न्याय शब्द आया तो न्याय से आपको याद रखना है कितने प्रकार की तीन प्रकार की बोले न्याय भी कौन कौन सी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कितने प्रकार की न्याय की बात की है तीन प्रकार की न्याय मिलेगी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगी स्वतंत्रता स्वतंत्रता कितने प्रकार की पांच प्रकार की विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना समानता कितने प्रकार की दो प्रकार की प्रतिष्ठा व अवसर बंधुता व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता व अखंडता फिर क्या होगा फिर दे रखिए इसके नीचे 26 नवंबर उन्नीस यानी कि वो तिथि जिस तिथि को संविधान क्या हुआ था इस तिथि को संविधान क्या क्या होता है फिर दे रखा है संविधान का क्या क्या होगा संविधान को क्या क्या किया जाएगा यानी स्थिति के बाद संविधान के बारे में दिया गया है कि स्थिति के बाद क्या क्या किया जा जाएगा जा जा अंगीकृत किया जा जाएगा जा जा। क्या क्या किया जाएगा जा 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 देखो अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित यह है आपकी प्रस्तावना मोटे मोटे तौर पर प्रस्तावना यही है आपको इसी प्रकार आपको याद करनी है यानी कि प्रस्तावना सबके याद होनी चाहिए क्योंकि प्रस्तावना में कई बार इन शब्दों का आप नंबर देके आपको ये चार शब्द दे, दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित शब्दों का प्रस्तावना में क्रम किस तो आपकी प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना क्या दे रखी है एक बार आराम से ध्यान से सुनना हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए या समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में उन सब में किन में भारत के लोगों उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए बंधुता दो प्रकार की दी है एक व्यक्ति की गरिमा और दूसरी दी है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर आज उन्होंने दिनांक दिया है बोले आज तो अपने ये जो संविधान सभा है आज दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर उन्नीस को इस संविधान को क्या करेगी अंगीकृत करेगी अधिनियमित करेगी व आत्मार्पित करती है यानी कि संविधान सभा ने या भारत के लोगों ने इस संविधान को कब अंगीकृत किया कब अधिनियमित किया कब आत्मार्पित किया इस प्रस्तावना को तो हमने किया छब्बीस नवंबर उन्नीस को बोले क्योंकि छब्बीस नवंबर उन्नीस आपको मैं पढ़ा चुका हूँ इससे संबंधित तथ्य मैंने पढ़ाए सप्तमी दो संवत 2006 थी इसको एदत द्वारा इस संविधान को क्या क्या किया गया है अधिनियमित किया गया है अंगीकृत किया गया है अधिनियमित किया गया है आत्मार्पित किया गया यह आपका क्या है प्रस्तावना है तो प्रस्तावना सबको याद होनी चाहिए शब्दों का कर्म कैसे होगा तो हमें ऐसे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है कि हम भारत के लोग भारत को अगर ऐसा बनाएंगे तो भारत के लोगों को न्याय मिलेगी स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी ऐसा मिलेगी तो लोगों से क्या मांगा गया ऐसा भारत बना के लोगों को ये तीन चीजें मिलेंगी कौन कौन सी एक तो न्याय मिलेगी एक स्वतंत्रता मिलेगी एक समानता मिलेगी ऐसा मिलेगा तो लोगों से बंधुता मांगी गई लोगों से क्या मांगी गई है लोगों से बंधुता मांगी गई है बंधुता दो प्रकार की एक व्यक्ति की गरिमा वाली बंधुता और दूसरी राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता तो आपको यह आपकी क्या है प्रस्तावना मोटे तौर पर आपकी प्रस्तावना यह है बाकी आप सभी को प्रस्तावना याद होनी चाहिए लिखी हुई होनी चाहिए तुम्हारे सामने कि प्रस्तावना क्या है तो प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समानता उपलब्ध कराने के प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज संकल्प होकर छब्बीस नवंबर उन्नीस को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं यह आपकी क्या है प्रस्तावना एक दो बार बोलो सबके याद, याद, हो कोई कोई सब याद होनी चाहिए जैसे मेरे याद है वैसे आप सबको क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए अब यहीं से इसी सारणी से यह सारणी सबके पास बनी हुई होनी चाहिए इसी सारणी से कैसे कैसे याद कर सकते हो बोले भारत को कितने प्रकार का भारत बनाने की बात हुई है बोले पांच प्रकार का कौन कौन सा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पांच प्रकार ये आंगली पांच दिख रही होंगी आपको ऐसा भारत बनाएंगे कैसा भारत ऐसा जिसमें क्या होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा समाजवादी होगा पंथ निरपेक्ष होगा लोकतांत्रिक होगा गणराज्य होगा ऐसा भारत बनेंगे तो इस भारत के लोगों को तीन प्रकार की चीजें मिलेंगी बोले तो न्याय मिलेगा स्वतंत्रता मिलेगी सम्मानता मिलेगी फिर ऐसा अगर मिलेगा तो फिर हमसे भी कुछ मांगा है हमसे क्या मांगा हमसे बंदूता मांगी हमसे क्या मांगा हमसे बंदूता मांगी है और फिर दे रखा है इसके तारीख लागू होने की तारीख और क्या क्या किया जाएगा तो ये सारणी आप बनाइए अब आपको यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे कैसे कंप्लीट हो सकते हैं आपके क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के न्याय प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है तो आपको ये तीन याद होंगी तभी तो पता होगा चौथी कौन सी नहीं है ऑप्शन दे देगा ऐसे सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय या फिर चौथा ऑप्शन ऐसे डाल देगा धार्मिक न्याय अब हो धार्मिक न्याय नहीं है धार्मिक तो स्वतंत्रता है हमारे धर्म की तो क्या है स्वतंत्रता है तो न्याय तीन प्रकार की है स्वतंत्रता पांच प्रकार की है समानता दो प्रकार की है बंधुता दो प्रकार लास्ट ऐसे होना चाहिए तो तुम्हें प्रस्तावना यह सारणी बनाओ फटाफट फड़ से आ, साथ के साथ बना रहे वो बहुत अच्छी बात है स्क्रीन शॉट लेना चाहू तो स्क्रीन शॉट बाकी हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखो क्योंकि एक एक शब्दों को हमें समझना है हाँ ये नहीं है कि मैंने प्रस्तावना ऐसे कंप्लीट करा दी एक शब्द आपको समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में आपको एक एक शब्द समझाऊंगा मैं तो अब हम बात करते हैं शुरुआत से हमारी प्रस्तावना के बारे में कि हमारी प्रस्तावना क्या है क्योंकि फिर हम बात करेंगे प्रस्तावना के बाद में अपने जो इस संबंधित विवाद विवाद जो हुए इनकी हम बात करेंगे सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं क्योंकि हमारी प्रारंभ प्रस्तावना जो होती है कहां से होती है हम भारत के लोगों से होती है से होती है हम भारत के लोगों से होती है तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे एक एक चीज पढ़ते हुए चलेंगे यानी पहली चीज हम पढ़ेंगे हम भारत के लोग हम भारत के लोग क्या कहते हैं हम भारत के लोगों से देखो यहाँ भारत के लोगों से तात्पर्य है भारत की जनता इससे है भारत की जनता से यानी कि इस भारत की जनता से ही लोग ये बात तात्पर्य है कि इस देश की भारत की अगर सर्वोच्च शक्ति किस में है भारत की सर्वोच्च शक्ति जो है भारत की सर्वोच्च शक्ति किस में नीत है तो भारत की सर्वोच्च शक्ति जो नीत है वो किसमें नीत है जनता में नीत है यानी कि हम भारत के लोगों से तात्पर्य है इस भारत देश की क्योंकि विद द पीपुल विद द पीपुल ऑफ इंडिया दिया हुआ है अंग्रेजी में हम भारत के लोग इससे यह तात्पर्य होता है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है भारत में अगर सर्वोच्च कोई है तो वो सर्वोच्च कौन है जनता क्योंकि भारत में सबसे सर्वोच्च संविधान को माना है और संविधान अगर किसी को सर्वोच्च शक्ति देता है तो वो शक्ति देता है जनता को किसको देता है जनता को देता है तो इससे मतलब यही हुआ कि समस्त शक्तियां जो होंगी भारत देश की समस्त शक्तियां जनता में निहित होंगी इसमें निहित होंगी दोस्तों जनता में निहित होंगी तो ये आप सभी को ढंग से याद होना चाहिए कि भारत की शक्तियां किसमें नीत हैं जनता में नीत क्योंकि ये हमने लिया है ये शब्द संयुक्त राष्ट्र के लोगों से लिया है कहां से लिया ये संयुक्त राष्ट्र के लोगों से हमने यह लिया है दूसरी बात यहां से पूछा जा सकता है भारत भारत शब्द, शब्द का उपयोग दो बार हुआ है दो बार हुआ है भारत शब्द का उपयोग कितनी बार हुआ है दो बार क्योंकि पहली लाइन में आता है हम भारत के लोग भारत को तो भारत कितनी बार आ रहा है दो बार फिर इसके बाद नेक्स्ट शब्द कौन सा आता है इसके बाद नेक्स्ट शब्द आता है आपके हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसा बनाएंगे? प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अब इधर समझिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता को समझिए अगला शब्द दे रखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जब मैंने पहली क्लास ली थी संविधान का सामान्य परिचय और उस संविधान के सामान्य परिचय में दोस्तों हमने बात की थी किसकी बात की थी हमने बात की थी इसकी प्रभुत्व की संपूर्ण संप्रभुता एक शब्द मैंने लिखा था संप्रभुता राज्य के चार तत्व होते हैं एक जनसंख्या एक क्षेत्रफल एक सरकार और चौथा मैंने सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई होता है तो संप्रभुता यहां संप्रभुता का क्या अर्थ होता है इसकी हम बात करते हैं संप्रभुता क्या होती है तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है यह कहता है यानी कि भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में किसी विदेशी शक्ति का क्या नहीं है देखो तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक और दूसरी होती है, है। बाह्य भारत अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में किसी भी देश का गुलाम नहीं किसी भी देश के अधीन नहीं है भारत पूरी तरह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है वैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता अगर आप डिटेल में पढ़ो तो ये पांच प्रकार की होती है कितने प्रकार की होती है पांच प्रकार की होती है ये पांच प्रकार की और कौन कौन सी होती है इसके अलावा तो इसके अलावा देखो होती है नामात्र वास्तविक और होती है कानूनी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता पांच प्रकार की होती है कितने प्रकार की पांच आंतरिक बाह्य नामात्र वास्तविक और कानूनी। अब भारत आंतरिक व बाह्य रूप से भारत जो है ये भारत जो देश है ये भारत देश क्या किसी का गुलाम है क्या भारत निर्णय लेने में कैसा है निर्णय लेने में स्वतंत्र है निर्णय लेने में क्या है स्वतंत्र है भारत देश के किस देश के साथ विदेशी संबंध होंगे किसके साथ नहीं होंगे बाह्य रूप से भारत भारत देश की सीमा के बाहर भारत के संबंध कैसे होंगे ये डिसाइड भारत खुद करेगा भारत खुद डिसाइड करेगा ये बात और भारत के आंतरिक मामलों में भारत के आंतरिक सीमाओं के अंदर क्या होगा ये डिसाइड भी कौन करेगा भारत करेगा तो भारत किसी के अधीन नहीं है भारत जब से प्रस्तावना लागू हुई है हमारी तब से प्रस्तावना दिया गया है कि भारत किसी का गुलाम नहीं होगा भारत में नाममात्र की भी होती है देखो नाममात्र हमारा राष्ट्रपति वास्तविक भी होते हैं वास्तविक हमारा प्रधानमंत्री होता है और कानूनी है क्योंकि कानून में हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत कैसा है कानूनी रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अब कई ऐसे कहते हैं कई लोग ये कहते हैं कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसे हुआ भाई भारत तो क्या है भारत तो राष्ट्रमंडल देशों का समूह है भारत राष्ट्रमंडल देशों में भारत तो राष्ट्रमंडल देशों में स्वेच्छा से शामिल हुआ था स्वेच्छा से क्या हुआ था स्वेच्छा से शामिल हुआ था कई हमारे संविधान को पढ़कर कई विदेशी लोगों ने हमारे संविधान की आलोचनाएं की हैं हमारे संविधान के बारे में बताया है और उन्होंने कहा भाई भारतीय संविधान का तो खुद का तो वैसे कुछ था नहीं उधार का थेला है वकीलों का स्वर्ग बताया है और इसमें कहा कि भारत तो राष्ट्रमंडल देशों में शामिल है और राष्ट्रमंडल देशों में देखो राष्ट्रमंडल देशों का गठन ब्रिटेन ने किया उन्नीस में ब्रिटेन ने इस राष्ट्रमंडलों का गठन किया था बोले इस राष्ट्रमंडल में वो देश शामिल होंगे जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का अधिकार रहा है जो ब्रिटेन के कभी ना कभी गुलाम रहे हैं ऐसे देशों को इसमें शामिल किया जाएगा भारत भी राष्ट्रमंडल देशों का समूह है मान लिया ये बात लेकिन भारत स्वेच्छा से शामिल हुआ था कब हुआ था सोलह मई उन्नीस को भारत राष्ट्रमंडल में शामिल होता है स्वेच्छा से शामिल अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके परिवार का उदाहरण लेता हूं बोले आपका परिवार समाज का अंग है कि नहीं है ना आपका परिवार समाज का अंग है लेकिन आपके परिवार में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका निर्धारण परिवार का मुखिया करता है अरे बेटे बेटी की शादी कहाँ करनी है अब परिवार समाज हमें प्रभावित करता है तो भारत को भी विदेशी प्रभावित तो करते विदेशी जिस गुट में भारत शामिल होते हैं जिन देशों के समूह के साथ हम बात करते हैं वहां की नीतियों से हम प्रभावित होते हैं लेकिन क्या भारत गुलाम थोड़ी है क्या भारत किसी जैसे जापान से हमने हमने राफेल राफेल सौदा जो किया विमान का क्या हमने पूछा? क्या पूछा अमेरिका से पूछा भाई हम खरीदे कि नहीं खरीदे नहीं पूछा ना क्यों भारत स्वतंत्र है आजाद है भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है खुद के निर्णय खुद लेगा खुद सक्षम है खुद की सरकार सक्षम है लोगों ने दिया है ये पावर हमें तो अपना परिवार भी समाज का अंग है समाज के निर्णयों से प्रभावित होता है रिश्तेदार टच करेंगे बोले यार तू वहां छोरा अच्छा है वहां दे दे ये दे दे लेकिन लास्ट में भी निर्णय किसे करना है लास्ट में भी निर्णय हमें खुद करना है लास्ट में भी किसे करना है लास्ट में भी निर्णय हमें खुद करना है परिवार खुद करता है ये निर्णय तो इसलिए आपको यह क्या करना है याद रखना है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है अगला नेक्स्ट शब्द वैसे कोई खास बात नहीं है इतना तो तुम नॉर्मली समझ ही जाओगे अगला शब्द आता है समाजवादी अगला शब्द कौन सा आता है अगला शब्द आता है समाजवादी समाजवादी हमें पढ़ना है क्या होता है देखो हालांकि यह शब्द मूल संविधान में नहीं था यह शब्द कब जोड़ा गया था यह शब्द बयालीसवें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के तहत के तहत जोड़ा गया देखो समाजवादी को हमें पढ़ना है क्या होता है समाजवादी इससे पहले मैं आपको अर्थव्यवस्था के कुछ शब्द बताता हूं देखो एक होता है उदारवाद एक होता है मार्क्सवाद एक होता है समाजवाद एक होता है साम्यवाद हालांकि ये आपके जो दे रखे हैं ये अर्थव्यवस्था के मामले हैं अर्थव्यवस्था में होने चाहिए हल लेकिन चलो खप्पण भी बात कर ही लेते हैं नॉर्मली मैं ज्यादा डीपली तो नहीं ले जाऊंगा आपको पर मैं नॉर्मली बात कर लेता हूं देखो हाँ इनके जनक भी लिख लो इनके जनक इसका जनक है जॉन लॉक इसका जनक है कार्ल्स मार्क्स इसका जनक है लेनिन और इसका जनक है माओ त्वे से तुंग ये इनके जनक देखो अब समझो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आराम से समझ देखो एक होता है उधारवाद उधारवाद ये पश्चिमी देशों में चलता है और खासकर मैं अमेरिका जैसे राष्ट्रों की बात करूं अमेरिका में चल अब ये समझना है भारत का ऐसे वो विश्व का क्या है ये नक्शा है केवल समझना है हाँ नक्शा वक्शा नहीं बनाया मैंने केवल आपको समझना है ये क्या है विश्व का नक्शा है इधर पश्चिमी देश है ये तो पता है ना इधर की साइड में कौन से देश आते हैं पश्चिमी अरे भारत का नक्शा ऐसे मैं विश्व का नक्शा लगाऊंगा तो इधर की ओर पश्चिमी होंगे इधर की ओर पूरब होगा नक्शा नहीं जानते तो ऐसे देख लेना ये होता है नक्शा ऐसे यहाँ ऊपर एन नॉर्थ यहाँ पे ईस्ट यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे साउथ होता है ऐसे तो सबको पता होगा ये तो मैं तो पश्चिमी देशों की ओर बात करूं तो पश्चिमी देशों की ओर एक वाद चलता है उदारवाद यानी कि आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण जो होगा वो पूंजीपतियों का होगा उसे उदारवाद कहते हैं क्या कहते हैं उदारवाद का यानी कि आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण पूंजीपतियों का होगा क्योंकि जो उद्योग होंगे पूंजी जो बिजनेस होंगे ये सारे पूंजीपतियों के होते हैं तो यहाँ पे क्या है गरीब को और गरीब किया गया है पैसे वाले को और पैसे वाला बनाया गया हाँ जिस अमेरिका की तुम बात करते हो सोचते हो अमेरिका जहां पे इतना पैसा है आपको बता दूं दू पैसे वालों के लिए पैसा है गरीबों के लिए बड़ी दिक्कत है वह गई गरीब ऐसे खुश हो रहे हो आ, अच्छा खासा कमाया जा सकता है वहां पे बढ़िया कमा सकते हैं लेकिन वहां पे गरीबों के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है तो फिर उसके बाद थोड़ा इधर की साइड और आए हम बात करें जर्मनी जर्मनी जैसे देश जो हैं जर्मनी जैसे देशों में है चलता है आपके मार्क्सवा क्या चलता है मार्क्सवा यानी कि जो कुछ भी है आर्थिक संसाधन ये मजदूरों का है मार्क्स ये कहता था विश्व के सारे मजदूरों तुम एक हो जाओ क्योंकि जो कुछ है ये फैक्ट्री है ये जो आपकी कंपनियां हैं ये सारी किसकी है मजदूरों की मजदूरों ने बनाई है अरे बिल्डिंग बनाई किसने बनाई मजदूरों ने बनवाई होगी पूंजीपति ने बनाई तो मजदूरों ने तो सब कुछ किसका है मजदूरों का है और उन्होंने तो ने कहा था इन पूंजीपतियों से लूट लो खोस लो सारे मजदूरों एक हो जाओ और इनसे लूट लो मार्क्स समाजवाद की मैं बात करूं यह चलता है सोवियत संघ रूस में कहा चलता था सोवियत संघ रूस सोवियत संघ रूस में चलता था यानी कि आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण जो होगा ये अर्थ से संबंधित है आर्थिक संसाधनों पर जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा समाज का यानी कि समाज का नियंत्रण होना चाहिए सरकार का नियंत्रण होना चाहिए सब कुछ सरकारी होना चाहिए सरकारी नौकरी हो सरकारी हॉस्पिटल हो सरकारी स्कूल हो सब कुछ सरकारी होना चाहिए क्या होना चाहिए सब कुछ सरकारी होना चाहिए सरकारी शादी भी सरकारी होनी चाहिए लुगाई भी सरकारी हो। फिर तीसरे हम समा साम्यवाद की बात करते हैं ये चलता है चाइना में चीन में यहाँ एक कम्युनिस्ट बनाया गया है बोले कुछ कुछ लोगों के समूह के पास पावर होना चाहिए कुछ लोगों के समूह के पास पावर होना चाहिए चाइना में ऐसा चलता है। अब तत्कालीन हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जो थी इंदिरा गांधी प्रभावित थी रूस से हालांकि भारत शुरुआत में गुटनिरपेक्ष था भारत जो था गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था भारत कैसा राष्ट्र था गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था भारत लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के काल में भारत सोवियत संघ हावी हो, हो जाता है कौन हावी हो जाता है सोवियत संघ हावी हो जाता है तो इंदिरा गांधी जी, जी जो थी वो सोवियत संघ से प्रभावित थी किससे प्रभावित थी सोवियत संघ से प्रभावित थी यानी समाजवाद की बात कर रहा हूं मैं समाजवाद हमारा जो भारत में कैसे आया तो इंदिरा गांधी जो थी वो सोवियत संघ की ओर उसका झुकाव था जिसके वजह से हमारे संविधान हमारी प्रस्तावना में शब्द आ गया समाजवाद यानी कि भारत में जो अर्थव्यवस्था थी ये अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, ये अर्थव्यवस्था कैसी थी समाजवाद थी शुरुआत में हालांकि अब नहीं है लेकिन आज भी शब्द समाजवादी हम इस्तेमाल करते हैं अर्थव्यवस्था जो थी यह अर्थव्यवस्था भारत में कैसी थी समाजवादी प्रकृति की थी समाजवादी प्रकृति की थी लेकिन उन्नीस में मैं बात करूं उन्नीस में भारत में क्या गया भारत में आर्थिक संकट पैदा भारत में क्या हो गया भारत में आर्थिक संकट पैदा हो गया एक बार तो ऐसा लगने लगा भारत में भारत में आर्थिक संकट पैदा हो गया और एक बार ऐसा लगने लगा कि भारत में हो सकता है अनुच्छेद 360 का प्रयोग हो जाए कि भारत में वित्तीय आपातकाल लग जाए लेकिन उसी समय उन्नीस में सरकार थी यानी पीएम कौन थे उस समय उस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव पीवी नरसिम्हा राव और इस पीवी राव के काल में इस समय हमारे वित्त मंत्री जो थे वो वित्त मंत्री कौन थे उस समय वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह कौन थे मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बने थे इन मनमोहन सिंह को ही कहा जाता है आर्थिक सुधारों का जनक क्या कहते आर्थिक सुधारों का जनक कहते मनमोहन सिंह ने एक मॉडल लेके आए और इन्होंने मनमोहन सिंह ने एक मॉडल लेके आए कौन सा एलपी मॉडल कौन सा मॉडल लेके आए एल मॉडल एल पी एल पी जी वो गैस वाला नहीं है ये मॉडल है एक एलपीजी का मतलब उन्होंने कहा कि उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि उन्होंने कहा उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण तीनों को एक मिक्स किया और वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान में इकानवे के बाद इस इकानवे के बाद में अर्थव्यवस्था जो है हमारी यह अर्थव्यवस्था कैसी हो गई अब मिश्रित हो गई है कैसी हो गई है मिश्रित यानी कि भारत में आज वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था है वरना हमारे समाजवादी थी कि सब कुछ सरकारी होना चाहिए सरकारी स्कूल हो सरकारी हॉस्पिटल हो सरकारी कंपनी हो सब कुछ सरकारी होना चाहिए नौकरी सरकारी होनी चाहिए लेकिन आज हमारे मिश्रित है आज हमारे सरकारी स्कूल भी हैं प्राइवेट भी हैं सरकारी अगर आपके कंपनियां हैं तो प्राइवेट भी हैं सरकारी अगर नौकरियां हैं तो प्राइवेट भी हैं तो अब हमारे मिश्रित है वर्तमान में लेकिन शब्द अभी भी हमारा कौन सा है समाजवाद यानी समाजवाद का मतलब होता है आर्थिक संसाधनों पर समाज का नियंत्रण क्योंकि हमारे यहाँ देश में व्याप्त गरीब और अमीर के बीच की खाई को मिटाने के लिए आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए यह बात हम अनुच्छेद धड़तीस में भी पढ़ेंगे तो आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए यह हमारे प्रस्तावना में शामिल किया गया था यानी आर्थिक इसमें इसका अर्थ होता है आर्थिक संसाधनों पर आर्थिक संसाधनों पर समाज का नियंत्रण समाज का नियंत्रण नहीं अगर सब कुछ अगर हम उदारीकरण अपना लेंगे तो पैसे वाले और पैसे वाले हो जाएंगे अब फिर देखो जैसे कोरोना काल में अडानी की जिस प्रकार संपत्ति बढ़ी है बाकी सबकी भी इसी प्रकार संपत्ति बढ़ती जाएगी हाँ तो ये इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी होगी अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद समाजवादी के बाद अगला शब्द आता है पंत निरपेक्ष अगला नेक्स्ट शब्द कौन सा आता है दोस्तों अगला शब्द आता है पंत निरपेक्ष पंत निरपेक्ष ये क्या कहता है पंथ निरपेक्ष इसको हम समझते हैं देखो दो शब्द आते हैं एक पंथ निरपेक्ष और एक होता है धर्म निरपेक्ष आज पंथ और धर्म दोनों में क्या अंतर होता है उसकी हम बात करेंगे हालांकि वैसे धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों का अर्थ एक ही होता है सेक्युलर शब्द यूज में लिया गया है लेकिन एक शब्द होता है देखो इधर समझना एक शब्द होता है पंथ और एक होता है धर्म देखो धर्म का, का अर्थ होता है धारण करने वाला धर्म का अर्थ होता है धारण करने वाला यानी कि जिस भी आपने रीति रिवाजों को आपने धारण किया है जिस प्रकार के रीति रिवाजों को आपने धारण किया है वो आपका धर्म है आपने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो किया हिंदू आपका धर्म है मुस्लिम को किया मुस्लिम आपका धर्म है ईसाई को किया ईसाई आपका धर्म है यानी जिस भी रीति रिवाजों को आप धारण करते हो वही आपका क्या है धर्म तो धर्म का अर्थ होता है धारण करने वाला लेकिन पंथ जो होता है ये पंथ धर्म का हिस्सा होता है धर्म का क्या होता है हिस्सा गांधी जी पता है क्या कहते थे गांधी जी ने एक बात कही है गांधी जी क्या कहते थे देखो गांधी जी ने कहा गांधी जी ने कहा है कि व्यक्ति पंथ से अलग हो सकता है अलग हो सकता है परंतु धर्म से अलग नहीं हो सकता धर्म से अलग नहीं हो सकता है गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति धर्म से अलग पंथ से अलग हो सकता है पंथ से अलगाव हो सकता है लेकिन धर्म से अलगाव नहीं हो सकता तो पंत निरपेक्ष की मैं बात करूं दोस्तों तो पंत निरपेक्ष का जो अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता राज्य का कोई धर्म नहीं होता है पंत निरपेक्ष का मुख्य शाब्दिक अर्थ यही लाइन निकलती है पंथ निरपेक्ष का मुख्य शाब्दिक अर्थ होता है कि भारत के राज्यों का कोई धर्म नहीं है अब इसका मतलब यह नहीं कि राज्य धर्म विरोधी है नहीं राज्य धर्म विरोधी नहीं है राज्य सभी धर्मों का राज्य सभी धर्मों का सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेंगे सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेंगे किसी भी धर्म के साथ कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होगा यानी कि धार्मिक भेदभाव को क्या कहा कि धार्मिक भेदभाव निषेध है धार्मिक भेदभाव क्या है भेदभाव निषेध है यानी कि भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है भारत सभी धर्मों का बराबर आदर करता है सम्मान आदर करता है भारत में किसी भी धर्म के लोग हो सभी धर्मों के लोगों के लिए भारत खुले दिल से स्वागत करता है सभी यहां भारत में क्योंकि भारत एक सभी धर्मों का वाला राष्ट्र है आपने देखो हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान देखो इस्लामिक कंट्री है अफगानिस्तान देखो इस्लामिक कंट्री है आप श्रीलंका हालांकि धर्मनिरपेक्ष है लेकिन श्रीलंका में आप देखो वहां पे भी धार्मिक कट्टरता है लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है ये केवल राजनेताओं का फैलाया हुआ भेदभाव है राजनेता आपको लड़ाने की कोशिश करते हैं वैसे भारत में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है भारत आज भी भारत के लोग सभी धर्मों के साथ व्यवहार बराबर सम्मान करते हैं आज भी हम अपने समाज में देखते हैं दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी हमारे उसी प्रकार के व्यवहार होते हैं जैसे जो, जो हमारे धर्म के साथ हो ये केवल राजनेता अपनी लड़ाई के लिए अपने वोट बैंक के चक्कर में हमें लड़ाते हैं वरना कुछ भी नहीं है अगर भारत का युवा खुद समझदार हो जाए तो इन राजनेताओं के घर चलने बंद हो जाएं, भारत का संविधान इतना शानदार है अगर भारत के संविधान के अनुरूप अगर एक दिन भी अपना भारत देश चले नियम कायदों के अनुरूप तो भारत जल्द ही एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा क्योंकि भारत में युवा जो पावर है वो विश्व में किसी के पास नहीं है ऐसे आज भी आप देख लो बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय लोग नौकरी करते हैं अब चाहे गूगल का सीईओ देख लो बाकी और कंपनियों का सीईओ देख लो भारतीय मिलेंगे आपको तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में यानी हमारे प्रस्तावना संबंधित बातें अगली क्लास में बात करेंगे जितने भी हमारी जो बातें बची हैं तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद